स्वागत है आपका 24/7 न्यूज चैनल में फिर से। तो दोस्तों आइए बात कर लेते हैं आज की टुडे ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस की। तो दोस्तों आप जानते हैं आज 16 जून 2019 है, आज 16 जून 2019 की ब्रेकिंग न्यूज हाजिर है। आपको बता दें कि आज के ब्रेकिंग न्यूज में पॉलिटिक्स, वर्ल्ड कप, बॉलीवुड, जॉब और देश विदेश से बड़ी खबर निकल कर आ रही है। तो वीडियो को बिना स्किप किए ध्यान से देखते रहिए। तो चलिए सीधे चलते हैं आज की पहली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, सिम कार्ड या बैंक खाते के लिए आधार नंबर जरूरी नहीं, जबरदस्ती मांगने पर हो सकता है 10,000 रुपए तक का जुर्माना। जी हाँ दोस्तों, यदि आप भी किसी दुकानदार पर सिम कार्ड लेने के लिए जाते हैं और दुकानदार आपसे आधार कार्ड नंबर मांगता है तो आप उसे इसके लिए साफ मना कर सकते हैं, क्योंकि आधार तथा अन्य कानून में संशोधन के विधेयक 2019 को मंजूरी दे दी गई है। इस विधेयक के मुताबिक बैंक या सिम कार्ड देने वाले दुकानदार आपको आधार नंबर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए आप चलते हैं दूसरी ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, रिलायंस जियो ने पेश किया एक और नया ऑफर, जाने इस बारे में क्या है खास। जी हाँ दोस्तों, जियो यूजर धारकों के लिए एक नई खबर निकल के आई है। रिलायंस जियो अचानक से अपने ग्राहकों को फ्री ऑफर देने के लिए जानी जाती है। कंपनी ने अभी हाल ही में वर्ल्ड कप 2019 के दीवानों को फ्री में दिखाने का तोहफा दिया था। वहीं अब कंपनी ने एक और ऑफर की शुरुआत की है जो 3 जून से लेकर 14 जुलाई 2019 तक चलेगा। आइए जानते हैं जियो के इस नए ऑफर्स के बारे में। जी हां दोस्तों, दरअसल जियो का यह ऑफर 100% कैशबैक की तरह है। जियो ने यह ऑफर अपने ही फैशन ब्रांड एजियो के साझेदारी के तहत पेश की है। इस ऑफर के तहत जियो ने ग्राहकों को 100 रुपए कैशबैक मिलेगा। जियो का यह ऑफर 198 रुपए और 399 रुपए वाले प्लान के साथ मिल रहा है। उदाहरण के लिए यदि आप 198 या 399 रुपए का जियो का रिचार्ज कराते हैं तो आपको 198 रुपए और 399 रुपए के कूपन भी कैशबैक के रूप में मिलेंगे जिनेंगे। तो अब चलते हैं दूसरी ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। दलालों पर रेलवे का ऑपरेशन थंडर, 387 गिरफ्तार, 50,000 लोग का टिकट रद्द। जी हां दोस्तों, रेलवे में अवैध तरीके से टिकट की कालाबाजारी करने वाले दलालों पर रेल पुलिस ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की। रेलवे ने देश के 16 जोन के 205 शहरों में एक साथ थंडर ऑपरेशन चलाया और 387 दलों को हवालात का रास्ता दिखाया। इन दलालों के पास से करीब 37 लाख रुपए के 22,253 टिकट बरामद हुए हैं, जिन पर हफ्ते भर में करीब 50,000 लोग सफर करने वाले थे। गलत तरीके से बुक किए गए इन टिकटों को रेलवे ने रद्द कर दिया है। फिलहाल टिकट के एवज में लोगों से किराए के अलावा 200 से लेकर 5,000 रुपए तक की कमीशन लेते थे। रेलवे सुरक्षा बल ने ऑपरेशन थंडर के बाद 375 केस दर्ज किया है। कार्रवाई के दौरान कई दलाल दुकान तक छोड़कर भाग निकले हैं। जी हां दोस्तों, तो चलते हैं अब दूसरी ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, सीए की पढ़ाई करने वाली सुमन राव ने जीता फेमिना मिस इंडिया 2019, इस प्रतियोगिता में रही थी रनर अप। जी हां दोस्तों, फेमिना मिस इंडिया 2019 का खिताब को राजस्थान की सुमन राव ने जीत लिया है। मिस इंडिया विनर सुमन राव को मिस इंडिया 2018 की विनर अनुकृति वास ने ताज पहनाया। फेमिना मिस इंडिया ग्रैंड फिनाले का आयोजन शनिवार को मुंबई के सरदार वल्लभ भाई पटेल इंडोर स्टेडियम में किया गया। इसमें बॉलीवुड के कई बड़े सेलिब्रिटी शामिल हुए। जी हां दोस्तों, सुमन ने चार्टर्ड अकाउंट की पढ़ाई की है। सुमन का कहना है कि वो जीवन में उन चीजों को करने की भी हिम्मत रखती हैं जिन्हें लोग अनिश्चित मानते हैं। सुमन जीवन में सबसे ज्यादा प्रभावित अपने माता पिता से हैं। मिस इंडिया 2019 का खिताब जीतने वाली सुमन कहती हैं कि ये उनके लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है। आप देख सकते हैं, देर रात अयोध्या पहुंचे शिवसेना के कई सांसद, सुबह उद्धव ठाकरे संग करेंगे रामलला के दर्शन। जी हां दोस्तों, शिवसेना के सांसद देर रात अयोध्या पहुंच गए। वे पंचशिला होटल में रुकेंगे जहां से रविवार सुबह शिवसेना सुप्रीमो उद्धव ठाकरे के साथ रामलला का दर्शन करने। तो अब चलते हैं दूसरी खबर की ओर। सदस्यता अभियान में कमजोर राज्य, कमजोर बूथ पर होगी भाजपा की नजर। जी हां दोस्तों, भाजपा 6 जुलाई को जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी के जन्म दिवस से अपना विशेष सदस्यता अभियान शुरू करेगी। 10 अगस्त तक चलने वाले इस अभियान में पार्टी अपना ध्यान लोकसभा चुनाव में कमजोर प्रदर्शन वाले राज्यों, कमजोर बूथों और युवाओं पर केंद्रित करेगी। अभियान समिति के संयोजक और पार्टी के उपाध्यक्ष शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि पार्टी ने न्यूनतम 20% नए सदस्य जोड़ने का लक्ष्य तय किया है। जी हां दोस्तों, तो चलते हैं आप दूसरे ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, SC ST के लिए GT की विशेष स्कीम, मिलेंगे 500 फ्लैट। जी हां दोस्तों, पिछले आवासीय योजना में बचे फ्लैटों को लेकर शुक्रवार को DDA की बोर्ड की बैठक का बड़ा फैसला लिया गया। इसके अनुसार DDA ने SC ST वर्गों के लोगों के लिए विशेष आवासीय योजना तैयार किया है। इसके तहत 500 फ्लैट आरक्षित है। हालांकि इनका आवंटन DDA लकी ड्रॉ के जरिए ही करेगा। पर्याप्त आवेदन नहीं मिलते हैं तो सामान्य वर्ग को फ्लैट लेने का मौका दिया जाए। दोस्तों, तो चलिए सीधे चलते हैं अब दूसरी ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, प्रधानमंत्री मोदी के लिए जब इन दो देशों के राष्ट्रपतियों ने खुद पकड़ लिया छाता। जी हां दोस्तों, शंघाई सहयोग संगठन SCO सम्मेलन की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिना नाम लिए आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान को घेरा और कूटनीतिक बढ़त हासिल की। इस बीच विशेषज्ञ ने उन्हें मिले सम्मान और जोरदार स्वागत की चर्चा जोरों पर है। तो चलिए अब सीधे चलते हैं दूसरे ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। जैसा कि आप देख सकते हैं, विश्व कप में पाकिस्तान के खिलाफ 7वीं स्ट्राइक की तैयारी, भारत का पलड़ा भारी। जी हां दोस्तों,
भारत और पाकिस्तान के बीच विश्व कप में रविवार को होने वाले महामुकाबले पर बारिश के साए के बावजूद रोमांचक अपने चरम पर है। क्रिकेट प्रेमियों के लिए किसी आम मुकाबले से हटकर खासा दर्जा पाने वाले इस मैच में विराट एंड कंपनी का पलड़ा भारी माना जा रहा है। पाकिस्तान के तेज गेंदबाज मोहम्मद आमिर और वहाब रियाज के कौशल के सामने लोकेश राहुल की तकनीकी की परीक्षा होगी। वहीं तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की अगुवाई में भारतीय आक्रामक भी पाक के बल्लेबाजों को मुश्किल में डालने के लिए तैयार हैं। सचिन तेंदुलकर ने भी भारतीय बल्लेबाजों को आमिर के खिलाफ और अधिक आक्रामक होने की सलाह दी है। जी हां दोस्तों, चलिए चलते हैं दूसरी ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, पुराने टीवी के बदले यह कंपनी देगी स्मार्टफोन, 18 जून से होगी लागू। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, मोबाइल फोन बनाने वाली कंपनी लावा इंटरनेशनल ने अपना लेटेस्ट स्मार्टफोन Z62 को लॉन्च करने का ऐलान कर दिया है। साथ ही लावा ने थ्रो योर टीवी अवे नाम से एक नया ऑफर भी निकाला है। इस ऑफर के तहत पुराना CR टीवी एक्सचेंज करने पर ग्राहकों को लावा Z62 स्मार्टफोन फ्री में जीतने का मौका मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, फोन के जरिए रजिस्ट्रेशन 18 जून सुबह 10 बजे शुरू होंगे और पहले आओ पहले पाओ के आधार पर फोन मिलेगा। विजेताओं को रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर SMS के जरिए सूचित किया जाएगा। लावा Z62 में 6 इंच 2.5D कवर्ड ग्लास के साथ फुल व्यू डिस्प्ले दी गई है, जिसमें डेडिकेटेड गूगल असिस्टेंस का फीचर मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, वहीं इसमें 8 मेगापिक्सल का रियर कैमरा के साथ 3380 mAh की बैटरी मिलेगी फ्रंट में LED का। तो चलिए चलते हैं दूसरी ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, व्हाट्सएप पर भेजते हैं फटाफट मैसेज तो बंद होगा आपका अकाउंट, इस दिन से होगी शुरुआत। जी हाँ दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विस देने वाली कंपनी व्हाट्सएप ने थोक में मैसेज भेजने वालों के लिए खिलाफ बड़ा फैसला किया है। व्हाट्सएप अब ऐसे लोगों का अकाउंट बंद कर देगा जो थोक में रोज मैसेज भेजते हैं। साथ ही कंपनी ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी कर सकती है। दोस्तों, ब्रेकिंग न्यूज में आगे बढ़ने से पहले आपके लिए क्विज 24x7 न्यूज की तरफ से, अगर आप इसमें पार्टिसिपेट लेते हैं तो आपको जो व्हाइट कलर का 24x7 न्यूज का लोगो टी शर्ट जीतने का मौका मिल सकता है और विनर का अनाउंसमेंट 1 जुलाई को प्रकाशित किया जाएगा। बरसते विनर 24x7 न्यूज चैनल का सब्सक्राइबर हो और बेल का आइकन प्रेस किया हो। आपको इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि हिंदुस्तान के तत्कालीन विदेश मंत्री कौन है। तो दोस्तों, आज 16 जून 2019 की महत्वपूर्ण खबरें थी। उम्मीद करते हैं कि इससे काफी महत्वपूर्ण जानकारी मिली होगी। इसके बदले में हम बस आपसे इतना चाहते हैं कि वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक शेयर ही हमारी मेहनत का फल होता है। बाकी रोजाना की ब्रेकिंग न्यूज से जुड़ी तमाम खबरों के लिए हमारे 24x7 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो बेल का आइकन जरूर दबाएं, इससे आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग 24x7 न्यूज चैनल।